एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के ऊपर पहले तो दो क्वेश्चन जो टैक्सेशन और उसका परफॉर्मेंस के ऊपर है, ये दो क्वेश्चन इस वीडियो में पहले मैं पूछूंगा जो कोई नहीं बोल रहा है आप लोगों को। उसके साथ साथ ये फंड इक्विटी आर्बिट्राज में भी इन्वेस्ट करेगा ऐसा उन लोगों ने बोला है। तो ये इक्विटी आर्बिट्राज है क्या चीज, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है, और कैसे ये इफेक्ट कर सकता है फंड का परफॉर्मेंस को, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे हम लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। और उसके बाद वीडियो का एंड में मैं आप लोगों को बोलूंगा अगर हम निवेश करते हैं तो पोर्टफोलियो का कितना पोर्शन एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में हमें निवेश करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। देखिए, जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है और जो नॉर्मल बैलेंस फंड है यानी हाइब्रिड फंड इक्विटी ओरिएंटेड, ये दो कैटेगरी के अंदर मेन डिफरेंस यही है कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में फंड मैनेजर को खुली छूट दिया जाता है कि वो कोई भी परसेंटेज ऑफ एलोकेशन डेप्ट और इक्विटी में कर सकता है, उसमें कोई अपर या लोअर कैप नहीं होता है। वो चाहे तो 80% एलोकेशन भी डेप्ट में कर सकता है और 20% इक्विटी में कर सकता है, ऐसा उसका खुला छूट दिया जाता है। लेकिन इसमें टैक्सेशन का एक क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है। अगर आप जानते हैं कि इक्विटी का पोर्शन 65 से कम हो तो फंड डेप्ट कैटेगरी में आ जाता है, और 65 से ऊपर हो तो वो इक्विटी कैटेगरी में माना जाता है, और ये एक साल में हर मंथ का एवरेज लेके ये किया जाता है। लेकिन फंड ये हमें क्लियरिटी नहीं देता है या उसका प्रेजेंटेशन में नहीं है कि कोई भी टाइम अगर ये एवरेज करके 65 से नीचे चला जाए फिनेंशियल ईयर में तो फंड हमें ईमेल करके बोलेगा कि भाई देखो तुम्हारा अभी कैटेगरी डेप्ट में हो गया है इस फंड का, या फिर हमें एसएमएस भेज के बोलेगा। ताकि कैसे ये कम्युनिकेशन रहेगा, कैसे हमको पता चलेगा कि ये इसका एवरेज एक ईयर में कैटेगरी कौन सा है टैक्सेशन के लिए जब हम टैक्स भरने जाएंगे, ये एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। दूसरा, फंड में क्लियरली बोला गया है प्रेजेंटेशन में, वो लोग चाहेंगे कि इक्विटी पोर्शन 65% से ज्यादा हो ताकि इसको टैक्स जो कैलकुलेशन है वो इक्विटी के तहत किया जाए, ये बोला गया है, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। तो इसका मतलब है तो हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्यों लेंगे? अगर आप 65 से ही ऊपर रहने का कोशिश हमेशा करोगे, फंड मैनेजर ऐसा ही कोशिश करेगा, तो हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का जो मेन यूएसपी है, जो मेन एडवांटेज है, वही तो चला गया ना। 65% के ऊपर ही अगर मुझे चाहिए तो मैं नॉर्मल हाइब्रिड फंड ले लूंगा, मैं क्यों एडवांटेज फंड में जाऊंगा? तो इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए। ये दो क्वेश्चन बर्निंग है, अगर एएमसी कोई लोग देख रहे हैं तो प्लीज ये क्लैरिफिकेशन कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये जो दो क्वेश्चन मैंने इन्वेस्टर के तरफ से उठाया है, आपका इसमें क्या व्यू है। अब आ जाते हैं इस फंड का डिटेल्स में, और उसमें आर्बिट्राज पोर्शन भी मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड होने के नाते इस ये फंड डेप्ट और इक्विटी दोनों पोर्शन में ही निवेश करेंगे। डेप्ट में जैसे कि नॉर्मल रहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, आपका ये सब में निवेश करेंगे, और ये थोड़ा सा डायनामिक टाइप होगा, कोई भी अक्रॉस द टाइमलाइन, एक साल का हो सकता है बॉन्ड, दो साल का, तीन साल का, वो फंड मैनेजर कैसा इंटरेस्ट साइकिल, क्रेडिट साइकिल कैसा चल रहा है उसके ऊपर डिसीशन लेंगे। और इक्विटी पोर्शन रहेगा, इक्विटी पोर्शन में भी ये लोग अच्छा से बैलेंस करके रखेंगे डेप्ट और इक्विटी में। इक्विटी में भी वो लोग कंपनी का अर्निंग पर्सपेक्टिव, अर्निंग ड्राइव्स, ये सब देख के डिसीशन लेंगे, ऐसा बोला गया है। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को जानना जरूरी है, जो ये आर्बिट्राज में पार्टिसिपेट करेगा। देखिए, ये आर्बिट्राज चीज होता क्या है, आर्बिट्राज को अगर आसान शब्दों में समझे तो बाजार में जो मिस प्राइसिंग होता है उससे कैसे फायदा हम ले सकते हैं, मैं एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूंगा। एक होता है बाजार में फ्यूचर बोल के, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन आप नाम सुने होंगे बाजार में स्टॉक्स में, वो चीज में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास रिलायंस का स्टॉक मैं खरीद के रखा हूं, ठीक है, मेरे रिलायंस का स्टॉक भी बाजार में है और उसके साथ साथ रिलायंस का फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी बाजार में है।
फ्यूचर में क्या होता है, बोला जाता है कि 2 मंथ बाद रिलायंस का कितना प्राइस होगा, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा हो गया। मान लीजिए रिलायंस का जो नॉर्मल स्टॉक है वो 2000 रुपए में बाजार में ट्रेड कर रहा है, 2000 रुपए उसका प्राइस है, लेकिन 2 महीने बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर उसको बोलते हैं हम, उसका प्राइस 2050 रुपए है, क्योंकि ऐसा नॉर्मल टाइम में ज्यादा रहता है फ्यूचर का प्राइस। क्यों? क्योंकि 2 महीने बाद लोग ये समझते हैं कि प्राइस रिलायंस का बढ़ जाएगा और 50 रुपए इसीलिए वो प्रीमियम देते हैं। इसी 2 महीने के बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2050 रुपए में ट्रेड होते हैं। तो ये जो मिसप्राइसिंग है, एक्चुअल रिलायंस का प्राइस 2000 रुपए है और 2 महीने बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर में उसका प्राइस 2050 रुपए है, तो ये 50 रुपए का गैप या प्रीमियम होता है। तो फंड मैनेजर ये जो 50 रुपए का मिसप्राइसिंग है इससे फायदा लेता है। कैसे लेते हैं? तो फंड मैनेजर ये जो 2050 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर को, इसको सेल कर देते हैं और सेम टाइम में सेम क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, ये जो 2000 रुपए का जो नॉर्मल शेयर चल रहा है इसको बाई कर लेते हैं। तो आपके पास सेम 0 क्वांटिटी हो गया नेट नेट बेसिस में, क्योंकि 100 शेयर्स मान लीजिए आपने 2050 रुपए में सेल कर दिया और 100 शेयर्स रिलायंस का 2000 रुपए में आपने खरीद भी लिया, तो आपको मोटा मोटा मुनाफा कितना हो गया? 50 रुपए का। ये जो 50 रुपए का है, ये जो मुनाफा है, ये आपका एकदम फिक्स्ड जैसा है। इसमें बाजार चाहे कोई भी तरफ जाए, आपको ये 50 रुपए मिलने ही वाला है। ये फंड में आप 25 अगस्त तक निवेश कर सकते हैं और मिनिमम इसका जो अमाउंट है वो 5000 रुपए है। अब हम आ जाते हैं कि इस फंड में निवेश करना चाहिए कि नहीं। उससे पहले वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ, चैनल में अगर नए हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज क्लिक कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। अब देखिए, निवेश करने का तरीका एक एक लोगों का एक एक टाइप हो सकता है। एज अ फंड हाउस, SBI फंड हाउस बहुत अच्छा है। इन लोगों का बहुत सारा फंड, जैसे कि SBI फोकस्ड फंड, ब्लू चिप फंड, ये सब फंड टॉप 5 टॉप 10 में अपने कैटेगरी में रैंक करता है। एक अच्छा पेडिग्री है SBI का, तो उसके हिसाब से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है एज अ फंड हाउस। हाँ, नया फंड है, फंड का कोई हिस्ट्री नहीं है ये पर्टिकुलर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का, तो ये मार्केट प्रूवन नहीं है, मार्केट टेस्टेड नहीं है, जो NFO में एक रिस्क रहता है। लेकिन आगे जो पीछे अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें इस फंड हाउस का, वो देख के लगता है कि ठीक है, हम लोग निवेश कर सकते हैं थोड़ा अमाउंट, ज्यादा नहीं। मान लीजिए आप जितना अमाउंट निवेश करना चाहते हैं टोटल बैलेंस्ड फंड में, उसका कुछ हिस्सा आप इसमें NFO में निवेश करके देख सकते हैं। उसके बाद इसको लिस्ट होने दीजिए बाजार में, कैसे परफॉर्म करता है 3 महीने 6 महीने देख लीजिए, उसके बाद फुल अमाउंट आप निवेश कीजिए। पहले एज अ टोकन अमाउंट जैसा कुछ आप जरूर निवेश कर सकते हैं NFO में। अब अगर आप नए इन्वेस्टर है तो निवेश करेंगे कैसे? तो सबसे अच्छा प्रोसेस है कि आप SBI म्यूचुअल फंड का वेबसाइट विजिट कीजिएगा। वहां पे अगर आप रजिस्टर नहीं है तो फर्स्ट टाइम एक बार रजिस्टर कर लीजिएगा। सिंपल अपना पैन डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब देके एक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद आप SBI म्यूचुअल फंड हाउस का कोई भी फंड डायरेक्ट प्लान में आप निवेश कर सकते हैं। ये वन टाइम प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अब कोई भी म्यूचुअल फंड में, SBI म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तो ये तो हो गया निवेश करने का प्रोसेस। अब देख लेते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में एज अ होल टोटल पोर्टफोलियो का आपका कितना प्रतिशत इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो देखिए, ये जो चीज है, ये कॉल लेने से पहले आप लोग जान लीजिए, परसेंटेज ऑफ एलोकेशन डिपेंड करते हैं आपका गोल, आपका एज, आपका जो ड्यूरेशन ऑफ गोल है उसके ऊपर, आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज, आपका इनकम सोर्स, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है।
तो आप लोग अपने आप से ये सब फैक्टर्स को थोड़ा सा देख लीजिए। मैं एक गाइडलाइन आप लोगों को प्रदान करता हूँ, स्पेशली ये एनएफओ के लिए। आप लोग अक्रॉस द एज ग्रुप एक बैलेंस्ड फंड आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी बैलेंस्ड फंड है कोई, तो और एक एक्स्ट्रा लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे SBI में ही चाहिए, ये एनएफओ आ रहा है मुझे निवेश ही करना है, तो पहले मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा टोकन अमाउंट देके देख लीजिए, उसके बाद फंड का परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहे उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो का 5% 10% इसमें एलोकेट कर सकते हैं। अगर आपका एज ग्रुप थोड़ा सा ज्यादा है यानी आप 50s या 60s में है, तो बैलेंस्ड फंड में आपका जो निवेश है वो आप बढ़ा सकते हैं। आप मैक्सिमम 40% तक भी जा सकते हैं, 50% तक भी जा सकते हैं, बेस्ड ऑन आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज क्या है। तो थोड़ा सा एज ग्रुप वाइज देख लीजिएगा, जो लोग 20s या 30s में हैं वो लोग अपना जो पोर्टफोलियो है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म गोल के लिए मिड कैप के ऊपर चूज कीजिए, मिड एंड लार्ज कैप बेस्ड पोर्टफोलियो बनाइए। और अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है जो 5 साल का ही मान लीजिए है, उसके लिए बैलेंस्ड फंड अच्छा बैठता है, उसको आप जरूर कंसिडर कीजिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।